गुरबाणी साढ़े कभी भी गुस्सारे चालू लाया है। कर्मा करके हिरदे का भी बसती है, जिस हिरदे का भी बस जाती है उसे ज्ञान का प्रकाश करती है। ज्ञान का प्रकाश करती है तो लोग उपयोग से लेकर वाहेगुरु करे कृपा करे बरस। साढ़े अंदर ही इस पावन वाणी का जो ज्ञान है वो प्रकट हुए कि इसके मुताबिक चल के अपना जीवन उसका बचा सकती है। अरदास दर्शन रूप अभ्यास पुस्तक डॉक्टर जसवंत सिंह ने मेरी लेखन उसमें आप पर सुन रहे हैं। निजी अरदास की है, सांझी अरदास की है, उसमें बहुत खुलासा करके समझाना दिता है। अज के प्रसंग के दसना किया है कि सच जान अरदास की बख्शिश दे उद्यम करने की आज्ञा अवश्य है। उद्यम करना बहुत लाजमी है क्योंकि जेकर उद्यम तो उच्ची गल के होंगे कि सिर्फ बैठ के मालाएं फेर दिए नाम जपना है तो गुरु नानक पातशाह ने जो प्रेम सिद्धांत बख्शे ना प्री रत्न सिद्धांत के नाम सूजवान आखते हैं उसने सब तो पहले किरत करनी आती है। सच्ची सुची किरत करे बिना नाम जपण का कोई लाभ नहीं होता। सच्ची सुची किरत हो गई, नाम की कमाई हो गई, जिते दिन निर बन के खाण की बाजी हो गई, वो भाव के विषय समृद्ध हो गया। नाम जपो तो पहले गुरु पातशाह ने कहा किरत करो नाम जपो से बन सके। सच्ची सुची कमाई तो बिना बन के छकिया में नहीं आएगा ते किसी के अधीन हो जावे। इसलिए सतगुरु जी सब तो पहले सच्ची सुची किरत है। इसलिए समझाना चाहता है कि सच जानो अरदास की बख्शिश नहीं उदम करने की आगे आवश्यक है। यही सिर्फ आप कम से कोई करिए ना तो फिर वाहेगुरु के अगर गला करें सारा साल पढ़ाई करिए ना तो फिर अरदास करिए वाहेगुरु समझे नंबर न पास कर लें ये तो गल गलत है ना। पढ़ाई करना मेहनत करना तो साढ़ा मुढ़ला फर्ज बनता है। उस तो बाद उसका रिजल्ट जो है वो चंगा हो गए असं सही ढंग परीक्षा दे सकीए सू अपना पढ़िया याद रहे तो फिर चंगा सा रिजल्ट आए अपनी जमात भी जाए। ये नहीं कि पढ़ाई तो करनी नहीं सिर्फ अरदास कर रहे हैं कि कमाईगुरु जी मैं पास कर देना चाहिए नंबर। इसलिए सब तो पहले उद्यम जरूरी है। उस तो बाद सतगुरु जी जिमें महाराजा रणजीत सिंह ने अटक दरिया के कंधे जो अरदास सब कुछ नहीं सी होया महसूस नहीं होया कि जपजी सिंह का पाठ किया है जो लिखत लिख कर बनया है तो दरिया जरा है बहुत साढ़ा मारिया बहुत उत्तर रहा उसको पार करना सौखी खेल नहीं हुई। जान माल की बहुत ज्यादा हानि हो सकती थी नुकसान हो सकता। इसके साथ में जो हम वो उदम करके तैयार हो गए उतों की एक जी होर चढ़ आई है उसके लिए ये चल पे हैं तो एक पल भी देर नहीं की जिमें खबर मिली है चल पे हम उस वे दरिया चढ़िया हो गया तो की किया जपजी सिंह जी का पाठ किया कहने के उस तो बाद अरदासा हो गया अरदास की थी तो फिर हो जाए गया है कि अपने घोड़े ने उतर जाओ उस पानी से यकीन जानो कहते हैं अज भी वो तस्वीर मौजूद है तो सतसंग जी कहते हैं वो दरिया जोड़ा है गिट भर गया यानी बहुत निवार चला गया तो बोझा सारिया लंघ गई। इतने सतसंग जी उदम है अरदास भी है हम वाहेगुरु जो जपजी साहब के गुरु नानक पातशाह आख रहे हैं लिख रहे हैं सुने हाथ होवे हसदा कहते हैं समुद्र जोड़ा है सागर जोड़ा है वो हाथ भर हो गया सुन सकती पावन बाणी सुन सकती तो सतसंग जी चाहे वो दरिया होगर हो चाहे ये पाव सागर हो जो आप पावन बाणी प्यार पढ़ते हैं सुनते हैं
ते नेक नियत दे नाल हर काम करते हैं ईमानदारी के साथ। सहज कौशल की उपवास करना ही सहज कुछ ध्यान ले करता। इसलिए उस समय जो वृतांत है वो दस्य है कि अरदास मंगल जो उसने भोजन कोड़े दरिया खेल देंदा आदेश दिता कि आप भी दिल गया तो अटक ने राह भी दे दिता। अटक दरिया ने राह भी दे दिता। यकीनन ऐसा होता है, असंभव कुछ ही नहीं है। साडा निश्चय साडा भरोसा पक्का होवे ते इही साधन दी कोई गल करके नहीं कह सकता कि अटक दरिया थले उतर जावे कि असी जाना है थोड़े थोड़े समय बाद जाना है। उसी वेले चल रहे हैं ते बहुत ही खतरा सी, उसके बावजूद भी ते उत्थे तत्काल पहुंचना मिला नहीं सी। होर कोई रस्ता ही नहीं सी जिस नाल जाया जाए, उसनों पार करना भी जरूरी थी। इसलिए सास ने उत्थे के अरदास ने भी काम किया, पार ने भी काम किया है, ते अपनी मशक्कत दे रही है, अपनी कारना दे रही है। अरदास की भावना शुकराने सत्कार के तौर की भावना है। शुकराना उसके दातों का भी नहीं, केवल उसके दातों का ही नहीं, उसकी एविडेंट प्रतिपालना का भी। क्योंकि सास ने जो वो असं जो दाता मनते हैं उस तो बिना मंगे सानू बहुत कुछ दे रहा। दादा बहुत कुछ सानू बिना मंगे मिलिया है ते मिल रहा है। सूरज चंद सितारे थोड़ी मंगे सन, ये प्रकृति है, सारा कुछ तो मालिक ने आपे दिता ना, बहुत कुछ आपे दिता है। कोई बच्चा अपनी पसंद न माता पिता थोड़ी ले सकता है, माता पिता अरदास कर सकते हैं मैनु इस तरह की औलाद मिलेगी। पर सास में जो सानू जो माता पिता मिले उस मालक ने देते हैं। इसलिए कुछ चीजा सानू बिना मंगे मिलिया ने, कुछ मंग के मिल रही हैं। पर असी इहो जे ठीक बंदे हाँ कि भाई जो चीज असी मंगी ते ना मिली उस ते ही आपां उस मालक दा दे नाल झगड़े करते हैं, बहुत गिला करते हैं। पर सास ने जो बहुत कुछ बिना मंगे मिले हैं, मंग के भी मिले हैं, उसका शुकराना नहीं करते, उसका शुकराना करना भूल जाते हैं। कृत करना की ना जान वाले। इसलिए पंचम पातशाह ने ऐवें थोड़ी लिखा है सुखमनी साहब के अंदर, दस बस फूले पाछे पा गए। आप कई बार विचार करते एक ना मिलने के पीछे पता नहीं उसके पीछे की रहस्य छिपया है, की कारण छिपया है, की सजित लाई छिपी है। पर तत्काल से आप जो कहना भी कोई चीज मंगी थी रब्बा वो भी नहीं, दस वस्तु ने पाछे पा गए, दसा तो मुकर ही गया, मिलिया ही दिता ही की है। अक्सर बंदा कह देता है रब ने सू दिता ही, मैं कि रब ने मां मारी है ना, कुछ नहीं कह देता, कुछ भी बोलने वेले कुछ बोलता नहीं, नापता तोलता नहीं छपता। सास ने जो इसका हर झगड़ा इसे कारण है, हर वेले बंदा सोचता है मेरी काबिलियत ज्यादा है, मेरी योग्यता ज्यादा है, मैं मिलना चाहता है। परिवार समाज देश सब के झगड़े का कारण बुनियादी कारण ही हो जाता। एक बार मन में सोच के देखे बंदा मेरी योग्यता मेरी काबिलियत कुछ भी नहीं करता, जो कुछ तो दिखता है वो तेरा कर्ज है, वो तेरी मेहर है, तेरी रहमत है। उसे वे हिरदा जरा शुकराना लेना पड़ जाए। कभी अपने थले वाले नीले वाले देख के देखिए ना सास, फिर शुकराने परे ना रहता। आपका तो उच्चे वाले देखना कि हर वे हिजर करना है, शिकायत करना। जितनी शिकायत उतना बनता दुखी, जितना शुकराना उतना बनता सुखी। बिना संतोष नहीं हो रहा, बिना संतोष के कोई रजा नहीं आज तक, तृप्त हो ही नहीं करता। जब आवे संतोष धन सब धन दोष, उस वाहेगुरु ने जो दिता है उसका शुक्र करना आ गया, तब तृप्त है बैठ गया कि बिना तृप्ति के तो राजा भी राजा नहीं, क्योंकि रजा नहीं है नियत पाई नहीं। जिम बाबा फरीद जी ना एक बार जाते सर ना एक राजे को, क्योंकि उन्होंने अपना सारा कुछ जो है ना, बाबा फरीद जी ने अपना सारा कुछ जो है प्रोक करके राजा ने दिता, अपने को कुछ नहीं रखा। तो एक राजे को जाते सन, जो भी कुछ होर बनाना होंदा कोई संस्था ले आन जान की उन्होंने लैश देने या बड़े प्रोपकार के काम होंगे,
उसके लिए उस राजे को चल जाते, राजा भी बड़ा ज्ञान प्रवृत्ति का थी, ओने को जाके कह देना हमें ये सेवा करनी है, तो राजे ने खुशी खुशी जो है वो दे दिया। उदो जो बाबा प्रीत जी गए थे वो अखा बंद करके इबादत में बैठा, राजा इबादत में बैठा है तो बाबा प्रीत जी उसे बैठ गए थोड़ी देर। फिर जो अखीर में उसने ऊपर हाथ चुक के मंगिया ना, बाबा प्रीत जी उठ के चुपके ने वापस आ गए। हम बंदा अखा बंद करके बैठा हुए कोई उन्हें को आके बैठे तो एहसास तो हो जाता है ना, कोई आया कौन आया पिछले के ना पता चले, पर कोई आया है इतना तो आभास हो जाता है। राजे होया कहने जब नेत्र खोले अखा खोलिया उस वेले क्या की पूछा से बाबा कि कौन आया, कहने बाबा प्रीत जी आए सन, कहने वो आए थे खाली हाथ चले गए, तुरंत जाओ उन्होंने वापस बुला के जाओ। यात्रा में भेजा गया वापस लेके आए, बाबा प्रीत जी आए तो कहने हाँ जी कि नहीं याद किया, तो बाबा प्रीत जी वो राजा आते तुम आए थे बिना कुछ ले चले गए। उस वेले बाबा प्रीत जी ने कहा आज मैं पता लग गया कि तू ही मंगता है, जिसको तू मांग रहे हैं मैं नहीं सीता उससे को ही मांग लगाऊंगा, मंगते को ही मंगना, सारा जगत भी खाली किया है ना, गुरबाणी आती है ना सारा जगत भी खाली है, दत्ता दाता एक है, देने वाला दाता एक है, सारा जगत भी खाली है, और एक अवसरी है कि मंग कौन की रहा है, मंग सारे रहे पर कौन की मंग रहा है वो गलवत्री है। इससे ने बहुत बेशकीमती चीजें मंग रही है, किसी ने सोना चांदी लश्कर बहुत कुछ मंग लिया, पर किसी ने उस दाते को उस दाते में मंग लिया, जिसने उस दाते को नाम की रचना कर ली या दाते को मंग लिया उस तो बाद उसका जो है भिखारी बनते खत्म हो गया, क्योंकि उसको तो दतार पिता ही आ गया, उसका नाम आ गया तो दतार पिता आप ही आ गया, तो जिस पर वो दतार पिता आ गया या उसका नाम आ गया फिर उसको मंगने में कुछ शेष नहीं रह जाता। इसलिए जो माना किया कि अरदास की भावना शुकराने सत्कार के पाव की भावना है, शुकराना उस दिया दाता का ही नहीं, उसकी एवरेज पालना का ही नहीं, उसके रिश्ता की भी के उसके रिश्तात्मक प्यार का भी है, सारिया चीजा उसके नाल आ जाए, वो प्रतिपालना भी कर रहे हैं, उन्हें सानू जीवन भी देता है, इस सब कुछ बख्शिशा उसदिया ने, पर जेड़ा इसनों समझे तो उसका शुकराना करता रहे, उसनों भी समझ आ जाए तो शुकराना करता भी रहेगा, तो दाता पिता वो दाते उसके घर की कोई कमी थोड़ी है, दाता तेरे सब कुछ है, जिस तेरे सो मारो सदा सिर्फ सलाह के ही नाम मन बसा, नाम जिनके मन बस गया उन्होंने अंदर अंदर दुनिया बसती है, जिन्हें अंदर नाम की कोई कड़ी वास्तव नहीं है, कोई वास्तव है, तो जिसनों ये जाचना करनी आ गई उसने दतार पिता को दतार पिता को नाम की दात मन के दतार पिता ही मंग लिया, नहीं तो सासू जी अक्सर अक्सर इदा होंगे ना पदार्थ मंगता रहता है, बंदा पदार्थ मंगता रहता है तो असल में उन्होंने पदार्थों में खर्च हो के चला जाता है, तो जो सासू जी उस वाहगुरु को उसनों मंगता है या नाम भी जाचना करता है, दाना से दान नाम का भी जाचना करता है, उस तो बाद मंगने कुछ शेष नहीं रह जाता, चोरियां पर जाने ने तेल चिपका जरा है शुकराने का पर जाता है, वही गुरु करे कृपा करे करज असी ही इस धरते आके उस दतार पिता ही मंग लेंगे, तो इसके नाल सब कुछ अपने आप ही आ जाएगा। कुल्ला चुपका जी की माँ बख्शी हो जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी। Thank you.